हमारे पास दूल्हा है मोदी है, हम मोदी है तो मुमकिन है, इनके पास कौन दूल्हा है? दूल्हा कौन? खड़गे। खड़गे इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हमारे दूल्हा है और 4 जून को सवारी पे बैठेंगे और कोई हो जो अपनी बेटी की शादी करेगी वो शादी के लिए भी तैयार है। करी पहले मिसिर जी रहो कौन चाहे तिवारी जी रहो कौन ए बेरी चाहत या के बदल देवे। दोनों पेपर लिखोगे? मेरा आरओ में सिलेक्शन होने वाला था, प्री क्वालिफाई करने वाले थे। जब जब पेपर लीक होता है तो सारे छात्रों का सिलेक्शन हो ही जाता है। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, राशन फ्री करा दिए, आवास बांट दिए, सारे विकास करा दिए। हाँ मिला, क्या मिला? आवास मिला है। नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, 1 करोड़ रोजगार, किस मैनिफेस्टो पे वो हुआ है, पोस्टर पे छपा है, वो शेयर कहाँ गया? वो मेक इन इंडिया वाला शेयर कहाँ गया सर? आप देखे हैं? अगर हमें रोजगार नहीं मिल जाएगा तो हम राशन भी खरीद के खाएंगे और सम्मान के साथ रहेंगे भी। सारा फॉर्म भरिए, आप लोग पेपर दीजिए, जाके जब योग्य रहेंगे तब तो नौकरी मिलेगी आपको। अगर आप स्किल सेट है तो आपको प्राइवेट सेक्टर भर भर के पैसा देगी, जो आपको पैसा गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। अगला चुनाव के दूल्हा हमारे योगी आदित्यनाथ होंगे, मैं आज ही इसकी घोषणा कर देता हूँ। ठीक है, तो दुराटी ने बोला कि ये इसमें भारत में ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मोदी चला रहा है, तो भाई तो मैं भी मानता हूँ मोदी चला, इसका मतलब मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया होगा मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर बन गया भाई। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। सल्लन टॉप की चुनाव यात्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया में आ चुकी है। देवरिया से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहे हैं। टिकट रमापति राम त्रिपाठी को पिछली बार मिला था, सांसद थे, उनका टिकट काट कर इस बार बीजेपी ने नया प्रत्याशी उतारा है। उनके पिताजी 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, उससे अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2012 से 2017 के बीच इसी ज़िले की रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं और दिल्ली में वो जाने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। इस सीट के समीकरण क्या है हम बात करेंगे। हम यहाँ के जो शहर का मशहूर हनुमान मंदिर है उसके ठीक पीछे जो पोखर है वहाँ पर हैं। मेरे पीछे जो लोग हैं उनमें आम लोग भी हैं, पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, कुछ के पटके उनका परिचय दे रहे होंगे, बाकी परिचय मैं देता हुआ चलूंगा। पर दादाजी आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राजा राम। राजा राम जी, तो यहाँ क्या है चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा आपके लिए क्या है? चुनावी मुद्दा तो देखिए यहाँ साफ सुथरा है। और अखिलेश सिंह हम लोग तो यही जानते हैं, अखिलेश सिंह जीत रहे हैं, हम लोग उन्हीं के वोटर हैं। अखिलेश सिंह जीत रहे हैं समाज जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और समाज पार्टी के। हाँ, क्यों? पिछली बार, पिछले काफ़ी समय से कल्याज मिश्र जीते, रमापति राम त्रिपाठी जी जीते, 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, काम कैसा हुआ है? नहीं, काम तो कोई खास काम तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोग जिस पार्टी से अपना वो है। हाँ, क्यों है, क्यों उस पार्टी से आपको लगता है? अखिलेश सिंह ज़्यादा काम, हम लोगों का घर तो रुद्रपुर के पास है, लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़क और नाथ व पोखरे का जीर्णोद्धार किया, मंदिर का किया, सब कुछ किए। हाँ, तो हम लोग तो उन्हीं को अपना वोट करेंगे। ठीक है, ये इनका एक पक्ष है। आप भाई साहब, आपके गमछे से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं। कहाँ से? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कोई पद भी है बता दीजिए। मैं भाजपा युवा मोर्चा का नगर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा मेरा नाम है। और मैं दादा के सवाल से जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए एक प्रश्न उठाना चाहूँगा कि अगर अखिलेश सिंह ने 2012 से 17 के अपने कार्यकाल में इतना विकास किया तो रुद्रपुर की जनता ने उन्हें 2 बार क्यों नकार दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट जिस पार्टी ने प्रत्याशी को टिकट दिया है कांग्रेस और सपा के गठबंधन में, उनके इस गठबंधन में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो लोकल का प्रत्याशी हो? रुद्रपुर विधानसभा देवरिया लोकसभा में नहीं पड़ती है। ज़िला तो यही है, ज़िला नहीं है लेकिन वो विधानसभा बाहर है, वो बांसगांव की लोकसभा में पड़ता है। पहली चीज़, लोकल का प्रत्याशी नहीं मिल पाया इनको। आज तक ये चिल्लाते थे जब दूसरे पार्टियों के लोग यहाँ सांसद थे तो लोग चिल्लाते थे कि लोकल फॉर वोकल के लिए प्रत्याशी लोकल का चाहिए। तो हमारे पूर्व के सांसदों ने जो काम किया है उस काम में मैं जुड़ाना चाहूँगा। माननीय कलराज मिश्रा जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इसमें वर्तमान एक चीज करते हैं। पिछले 10 साल में देवरिया में हुए 3 बड़े काम आपके हिसाब से? आपके सामने मेडिकल कॉलेज खड़ा है, आपके सामने ट्रामा सेंटर खड़ा है, आपके सामने कलराज जी ने पासपोर्ट के लिए जो गोरखपुर दौड़ना पड़ता था उसके लिए ऑफिस लगा दिया, कई आप रोड देख रहे हैं, रोडों का चौड़ीकरण देख रहे हैं, ऐसा विकास उन्होंने किया है। उसके बाद आप खोजते क्या है, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को टच कर रहे हैं।
पर क्या ऐसा भी है क्या, मैं तो देवरिया आज सुबह ही आया, कि जो मेडिकल कॉलेज तो है पर जिला अस्पताल अभी तक बना नहीं है, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होकर के चल रहा है। अस्पताल के लिए जगह खोज ली गई है, डीएम साहब ने उसका सर्वे कर लिया है, जिला अस्पताल बहुत जल्दी बदल दी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा। कैसे मेडिकल कॉलेज से अटैच होकर चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि जगह खोज ली नहीं रहा है। पहली बात ये जान लीजिए कि जिला अस्पताल के ही शर्त पर मेडिकल कॉलेज आया है। यहाँ अब सुई से लेकर के और रुई तक आप अपने पैसे से वियर करेंगे, लेंगे जो भी आपको सुविधा चाहिए। बल्कि जिला अस्पताल में ऐसा नहीं था, सभी दवा मुफ्त थी, इलाज मुफ्त था, जांच सभी मुफ्त। जिला अस्पताल क्यों नहीं आ पाया शुरू से? जिला अस्पताल को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और एक स्ववित्तपोषी, उसको स्वशासीय कहते हैं, हालांकि हम नहीं जानते हैं कि स्वशासीय और स्ववित्तपोषी में क्या फ़र्क है, अगर कोई जानता हो तो फाइनली हमको डिफाइन करके बता दे। हमको तो दोनों चीज़ें एक ही तरह से लगे, कोनो मुद्दा नहीं थे कि जौने से ये लोग देवरिया में फिर से ये लोग अपन भारतीय जनता पार्टी का कोनो कैंडिडेट जीता सके। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नित्या। और आप क्या करते हैं पेशे से? हम पेशा से किसान हैं। हाँ। मूलतः हम खाली किसानी करेली और नेता भी हैं, छात्र नेता रहल हैं, संत विनोबा पीजी कॉलेज बा यही जा, वही जा कर हम छात्र संघ का महामंत्री रहल हैं और ओकरी बात से कोनो राजनीति से बहुत वास्ता नहीं के। लेकिन इतना जरूर बताओ तनी कि जौन यहाँ का चला था, यहाँ का जनता पूरी तरह से एकदम उजिया गए उबिया गई बा, चाहे वो एकरी पहले मिसिर जी रहो कहाँ, चाहे तिवारी जी रहो कहाँ, ए बेरी चाहत या के बदल देवे के है। आ सबसे बड़ा जौन इशू बा, जौन बात बा, वही बा कि यही यही जाबरूरे खड़ा बनी ना हाई पोखरा, ये पोखरा के करोड़ों रुपया लगा के यही जा कर इस समय जौन नगर पालिका अध्यक्ष बाड़ी यही जा कह हई, आ उ तीसरी बार अध्यक्ष बाड़ी, आ जानतनी यही जा कितना पानी लगेला, हे जरूर करियाँ ही भर पानी लगेला, बरखा हो जाए ना एगो जल निकासी को व्यवस्था आजू ले दुरुस्त नहीं भाई। ये बात है, ये मैं आया, मैं देखा, मैं ये इसमें सब साफ सफाई की भी समस्या है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में क्या ये मुद्दा होता है? लोकसभा के चुनाव में क्या इस आधार पर वोट डाले जाते हैं कि साफ सफाई है या नहीं, या मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं? क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम संदीप यादव है। हाँ, और माहौल है? माहौल जो है एक पक्षी है यहाँ इंडिया गठबंधन, एक पक्षी तो नहीं है, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह जो है वो यहाँ पे। मुझे एक चीज बताइए कि 1984 में आखिरी बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी, गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद से कांग्रेस यहाँ से जीती नहीं कभी, सांसदी की बात कर रहा हूँ, सपा बसपा एक एक बार जीते, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की के सांसद चुन करके आए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जब अलायंस हुआ तो ये सीट सपा के खाते में जाती तो बेहतर नहीं होता? कांग्रेस तो बहुत कमज़ोर रही लगातार। देखिए, इस समय जो ये अलायंस चल रहा है इंडिया गठबंधन, इसमें सभी प्रत्याशी चाहे वो सपा को हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, या हमारे गठबंधन सहयोगी जितने भी दल हैं, अगर किसी का भी प्रत्याशी है तो मुख्य तौर पे वो यहाँ पे मजबूत है। यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी को, अगर पार्टी लाइन के हिसाब से बात कर रहे हो, लेकिन वैसे तो यहाँ कांग्रेस बहुत कमज़ोर रही है शुरू। अखिलेश प्रताप सिंह अपने आप में एक बहुत बड़े शहर हैं, आपको तो पता ही है, दिल्ली में प्रवक्ता है कांग्रेस के, और 2012 में जब वो विधायक थे तो उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, वैसे तो यूपी में बहुत सालों से गवर्नमेंट नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने 22 करोड़ का योजना रुद्रपुर के लिए लाया था सरकार ना होते हुए भी, तो इसके कारण लोग ज़्यादा उनसे जुड़ रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट है। अखिलेश यादव से उनके रिश्ते शुरू से थोड़े अच्छे रहे हैं? अब इतना हमको डीपली नहीं पता, हमको अखिलेश प्रताप सिंह जी के बारे में पता है, वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, काम अपने स्तर पर काम करते हैं, ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट है तो काम होगी, हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो काम नहीं होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम गौरव शुक्ला है। अभी हमारे भाई ने कहा जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी एक तो मैं सब पता नहीं, एक तो गर्मी भी है, गर्मी ने कंफ्यूजन बढ़ा दिया है कि गमछे वाले सब लोग नेता हैं कि गर्मी की वजह से लेके निकले हैं। गमछे वाले नेता नहीं है, ये बिहार से जुड़ा जो मतलब नहीं, हम लोग भी गमछा यूज करते हैं, हमारे साथ ही गमछा, लेकिन मूल 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 तौर पे ये बिहार से जुड़ा हुआ। मेरा सवाल ये किसी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं? नहीं, मैं किसी ईमानदारी से बता, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। अभी इन्होंने कहा कि मतलब अखिलेश प्रताप सिंह जो है कि अपने हिसाब से काम करते हैं, जनता के हिसाब से काम नहीं करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए जनता उसे बार बार नकारती आ रही है। और रही बात मतलब एक कहे कि एक भी गली दिखा दीजिए, तो इनके कहने में ये है कि ये एक गली मतलब
कहीं खराब हो सकती है, लेकिन सारी गलियां जो है पूरी बनी हुई हैं और मतलब आप देख सकते हैं। देवरिया जिला में आ रहा हूं 10 साल में आपके पास माइक जाए वही बोले। सब लोग राजनीति की ही बात कर रहे हैं, आज के डेट में युवाओं को रोजगार के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए रोजगार चाहिए, रोजगार पे बात कोई नहीं कर रहा है, रोजगार हमको मिल ही नहीं रहा है। हमारा जो पेपर हुआ आरओ का हुआ, फिर क्या बोलते हैं पुलिस वाला हुआ, दोनों पेपर लीक हो गया। मेरा आरओ में सिलेक्शन होने वाला था, प्री क्वालिफाई करने वाले थे, फिर भी नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ, फिर दोबारा देना पड़ेगा? सिलेक्शन होने वाला था, कॉन्फिडेंस है। पेपर लीक हो जाने के बाद जो है जो सारे जो छात्र होते हैं सबका सिलेक्शन होने वाला ही होता है। जब कॉन्फिडेंस जब जब पेपर लीक होता है तो सारे छात्रों का सिलेक्शन हो ही जाता है। चूंकि मैं भी उसमें हूँ, मैं भी पेपर दिया हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पेपर नहीं कह रहा हूँ, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है कि नहीं है? पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ने उस पर फिर कार्रवाई दी। आकर के एंसर की जो होता है हम लोग मिलाने का प्रयास किए, वहाँ पे बन रहा था कि बन रहा है। सरकार मेरिट बनाती है, नौकरी देती है। जिसे इस बार जो जनता चाह रही है, जनता और युवाओं का ये सोच है कि इस बार किसी जात धर्म पे और किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं होगा, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पे वोट होगा। और जो आज के युवाओं के लिए यही सबसे मुख्य कारण है और वो चीज चाहिए, होना चाहिए। तो ये 2019 में रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? उनका संख्या के हिसाब से भागीदारी बनती है ना सर। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री की जैसी लहर थी, इस बार उसमें थोड़ी कमी आई है, ऐसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। लोग कह रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जितनी योजनाएं सरकार लोगों तक पहुंचा रही है, चाहे वो आवास के माध्यम से हो, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, जितनी भी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं की बदौलत जनता जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई है। विरोधियों का यह काम है कि वो विरोध करेंगे, उनके पास मुद्दे नहीं है। वो राम मंदिर का भी विरोध करने के लिए अखिलेश यादव मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं, तो उनके पास जब मुद्दे नहीं है तो किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जिनके पास मुद्दे ही नहीं है वो राम मंदिर का भी विरोध कर देंगे, उनको सनातन से भी मतलब नहीं है, ना अपने देश की आस्थाओं से मतलब है। चाचा आपका नाम क्या है? गंगेश नाथ तिवारी। ये बहुत राजनीतिक माहौल हो गया है पार्टी वाला, क्या है असली माहौल? बीजेपी का बीजेपी क्यों है? बीजेपी का माहौल विकास के मुद्दे पर, विकास कर रही है। प्रधानमंत्री आपको पसंद है तो क्यों पसंद है? विकास कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। क्या क्या, दो तीन चीज बताइए। मोदी सरकार रोड बनवा रहा है, राम मंदिर बनवा, 370 हटाया है, क्या नहीं किया? सब कुछ तो वही किया। देखिए संसार मणि त्रिपाठी जी पढ़े लिखे आदमी है, 370 पे बात है, थोड़ा पीछे हो जाए। 370 की कह रहे हैं कि बात, 370 हटाया गया है भाई साहब, माइक पे बोलिए। खड़गे को बना रहे हैं, हमारे पास दूल्हा है, मोदी है, हम मोदी है तो मुमकिन है, इनके पास कौन दूल्हा है? दूल्हा कौन है? खड़गे। खड़गे इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे? हाँ, राहुल गांधी है उधर तो मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी हमारे दूल्हा है और 4 जून को सवारी पे बैठेंगे, और कोई हो जो अपनी बेटी की शादी करेगी वो शादी के लिए भी तैयार है। इंडिया अलायंस में आप कह रहे हैं कि खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे और ये कह रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे, कैसे सहमति आएगी? अगर कौन कह रहा है सर, क्या राहुल गांधी बने? अरे भाई ठीक है, राहुल गांधी बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, कांग्रेस का ही तो बनेगा, तो हल्ला क्यों है इस बार? तो घोषित क्यों नहीं कर देते? कर देंगे, घोषित कर दीजिए, आने दीजिए बहुमत, कर देंगे, पहले कर दीजिए, पहले कैसे? चेहरे पे चुनाव। आपसे बता दें कि इस बार कांग्रेस किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे नो डाउट बहुत ही योग्य आदमी, और आप देखिएगा कि ये देश भी चलेगा और देश के साथ संविधान भी सुरक्षित रहेगा, गरीबों का हक भी मिलेगा। अच्छा राशन किनके, जो लोग आसपास के लोग हैं, राशन किन किन के घरों में मिल रहा है? हमारे घर भी आता, कांग्रेस के सरकार में भी आता था, अभी भी आ रहा है। राशन से चुनाव प्रभावित नहीं? हम नहीं प्रभावित, क्योंकि 1100 रुपए का गैस सिलेंडर अगर दिया जाए, 2 रुपए किलो का राशन, पहले भी सरकार का ये नेतृत्व है कि हम लोगों को राशन दे, ये ना राशन सबके लिए, सारे गवर्नमेंट आई सब में राशन मिलता है, और इसमें भी मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जैसे भारतीय जनता 1100 का गैस सिलेंडर भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्व से इस बात को कहती है कि हम लाभार्थी योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के घर में शौचालय पहुंचा है, प्रधानमंत्री आवास पहुंचा है, और अब राशन भी दे रहे हैं,
2019 में उज्ज्वला का सिलेंडर भी एक मुद्दा था, क्या वो इस बार के चुनाव में मुद्दा है कि नहीं? इस बार का मुद्दा इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के बेरोजगारी, ये छोटी बातें हैं, लाभार्थी योजना है, लाभार्थी योजना है, उसे ऊपर रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। और बात करते फ्री राशन की, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम LLB कर रहे हैं, हम MA कर रहे हैं, हम BA कर रहे हैं, अगर हमें रोजगार नहीं मिल जाएगा तो हम राशन भी खरीद के खाएंगे और सम्मान के साथ रहेंगे भी। अगर आप हमें बेरोजगार बना के अगर हमें फ्री का राशन दे रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर मैं शिक्षा लिया हूँ तो मुझे उस शिक्षा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं दे पाती है, सरकार निकम्मी है। सरकार सभी लोगों को नौकरी कैसे दे सकती है, जितनी देश की आबादी है? जो जिस योग्य है उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। अगर लड़का PhD किया है, अगर लड़का PhD किया है, वो चाय नहीं बेचेगा, पकौड़ा नहीं तलेगा। क्या कह रहे हैं, सरकारी रिजल्ट कभी खोलते नहीं है क्या? सरकारी रिजल्ट पे सारा जॉब आता है, सारा लाइन से तमाम है, सारा फॉर्म भरिए, आप लोग पेपर दीजिए, जाके जब योग्य रहेंगे तब तो नौकरी मिलेगी आपको। क्या कह रहे हैं नौकरी पे? नौकरी की बात है, जहाँ तक सब कह रहे हैं कि सब बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, केवल सरकारी नौकरी होती है। मेरा नाम विकास शुक्ला है, मैं पेशे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और यहाँ जितने लोग खड़े होंगे सबकी सैलरी मिला देंगे तो मैं अकेला कमाता हूँ, फॉर श्योर। पर क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सर हर बेंगलोर में जाइए, आप बेंगलोर में जाइए, बेंगलोर में जाइए, हर गली में आपको एक स्टार्टअप मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में, अरे पीछे जो है, पीछे देवरिया में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का शुगर चीनी मिल है, चाहे वो बैतालपुर शुगर चीनी मिल हो, चाहे देवरिया चीनी मिल हो, चाहे गौरी बाजार हो। और यहाँ पर जो है लगातार इनके मुख्यमंत्री आकर के हर चुनाव में कहते हैं कि एक महीने के अंदर मैं चीनी मिल चालू करूंगा, लेकिन जब चुनाव आता है ये अपने घोषणा पत्र में चीनी मिल का झांसा देकर के जो है, वो चीनी का कटोरा कहा जाता था देवरिया को, ये बात तो सही है, लेकिन वो उद्योग थोड़ा सा खत्म हो गया। कटोरा खत्म करने का भी जिम्मेदार कांग्रेस को ही है, कांग्रेस और बसपा काम किया गया था देवरिया जिला में। सपा सरकार ने यहाँ से जो मिले थी उसको बेच दिया उन्हें पौने दाम। अब आप शुरू करवा देते हैं वो तो, क्या हम बिल्कुल शुरू करवाएंगे, वो मुकदमा कोर्ट में अभी चल रहा है, जैसे ही कोर्ट फाइनल करेगी। देवरिया में जाम बहुत लगता है देवरिया, जाम की समस्या तो है, जाम की समस्या का भी समाधान हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उस पे प्रशासन अपना बना रहा है, जाम की समस्या। देवरिया का बस स्टेशन खा गया, देवरिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खा गया, ये क्या बात करेंगे, केवल झूठ खा गए करना है। देवरिया का बस स्टेशन ही गायब हो गया और देवरिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनका हर स्टेशन बन रहा है, अभी नहीं बनता ही रह गया, उसका शिलान्यास क्या बात करेंगे। और सुनिए, आज का चुनाव चल रहा है, वो शिक्षा पर चलेगा, रोजगार पर चलेगा, घर जाके घर पे जाके नौकरी नहीं दिया जाएगा, घर घर जाके नौकरी नहीं दिया जाएगा, घर आके मिल रहा है। यहाँ रोजगार जो चाह रहे हैं कि हम कोचिंग संस्थान में जब पढ़ रहे हैं वैकेंसी आ रही है तो उस समय हम पेपर देने जाए तो पेपर लिखना हो, हमको रोजगार उसी तरह मिले, चल के हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि दूसरे स्टेट में परीक्षा देने जाने के बावजूद भी जो है पेपर लिख हो जाता है, क्या बात है, तो 500 रुपया किराया लगाए और 5000 रुपया कोचिंग संस्थान में दिए और घर आए तो पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। वाह रे इनकी सरकार और वाह रे इनके प्रशासन, दुर्भाग्य इस देश का कि जिनका प्रशासन इतना कमजोर है। और ये छाती पीटते हैं कि 56 इंच का हमारा सीना है, ये 56 इंच का सीना पेपर लीक होने में कहाँ चला जाता है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर के, गोरखपुर में के सांसद रहे वो 5 बार, और उसके बाद से गोरखपुर में कई तरह का विकास आया है जो दिखता है, है ना, सड़क भी बेहतर हुई है, तारामंडल का सौंदर्यीकरण हुआ है, गोरखपुर विकसित हुआ है, एम्स वहाँ पर शुरू हुआ है, उसका फायदा आसपास के जिलों को तो हो रहा है, है ना, हो रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो मान रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, तो ये जो फायदा है ये राजनीतिक रूप से आपको नहीं लगता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर वोटर्स को प्रभावित करता है, वोटर्स को प्रभावित करता है, तो हम केंद्र, ये तो केंद्र के मुद्दे है ना, केंद्र के मुद्दे हैं, तो सारी चीजें हमको मिलेगी, एम्स में मिले तो हम दबा कर जाएंगे, तो हम अपने चाहते हमारे शहर में भी तो रहे, हमारे शहर में तो बस वो बन गया एम्स। एम्स तो सब सारे शहर में नहीं हो सकता, नहीं देखिए पास में आ गया, मेडिकल कॉलेज जो खुला है जब वहाँ हॉस्पिटल भी तो गायब होगा, वहाँ सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी तो उसी एम्स की जगह के लिए जो बाबा योगी आदित्यनाथ और समाजवादी के अखिलेश प्रताप में डिबेट चल रहा था कि जगह कहाँ उपलब्ध कराया जाए, समाजवादी सरकार में जब जगह उपलब्ध नहीं हो पाई और सरकार बदल गई तो इन्होंने एम्स बनवाने का श्रेय जो है गोरखपुर में जो गन्ना अनुसंधान केंद्र था उसकी जमीन को अधिग्रहित करके वहाँ एम्स बनवाया, जो कि समाजवादी की देन थी।
गई और उसके बाद से जब ये सरकार में आए गोरखपुर कभी भी पिछड़ा नहीं रहा है। लेने में नहीं चूकते हैं। सड़क चाहे वो सड़क का मामला हो चाहे विश्वविद्यालय का मामला हो वो स्टेब्लिश पहले से था। वहाँ दिग्विजय नाथ है, वहाँ पर जो है सेंट्रल ड्यूज कॉलेज है, वहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय पहले से की समय की है। गोरखपुर एक पुराना शहर है। क्या किया इन्होंने, जो सड़कें बनी थी उस पर थोड़ा सा लेप लगा दिया, जो फ्लाईओवर मुख्यमंत्री होने के बावजूद गोरखपुर में काम तो हुआ है। मेरा है ये कहते हैं कि लेप लगा दिया, मैं कहता हूं कि मायावती की जो 2007 में सरकार थी अचल सचल योजना करके गांव-गांव दवाइयां बांटी जाती थी, ठीक है। फिर से अखिलेश की सरकार बनी 2012 में, अखिलेश जी चाहते तो उन्हीं गाड़ियों को एम्बुलेंस बना सकते थे, लेकिन नहीं, फिर से नई एम्बुलेंस मंगवाए, 108 बनवाए और वही योगी जी डायल 100 को 112 करके गाड़ियां नहीं बदली, लूटने के काम नहीं किया, उसी गाड़ियों को नाम भले से चेंज कर दिया। और कह रहे हैं लोग देवरिया में बस स्टेशन की बात जो कह रहे हैं, देवरिया में बस स्टेशन की, हमको किचन से नहीं मतलब है कि किचन कैसा मेरा है, मुझे गाड़ियों से मतलब है। बस जो है देवरिया से गोरखपुर 300 गाड़ियां रोज जाती है और पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं। 300 गाड़ियां लगातार पांच पांच मिनट में गाड़ियां यहाँ से गोरखपुर सब जगह के पांच मिनट में यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं। बस स्टेशन से नहीं मतलब है, हम तो खड़े होते हैं 2 मिनट में बस मिल जाती है तो हम बस स्टेशन का क्या स्टेशन की बात करोड़ों रुपए लगाते हैं। जिला अस्पताल, एक मिनट भाई साहब, एक मैं आप बोल चुके हैं जिला अस्पताल, जिला अस्पताल इसलिए उसमें विलम्ब हो रहा है कि जो जमीन था जिला अस्पताल का देवरिया जिले में जो है कि वो सबसे सुदृढ़ जगह था, जहाँ जिला अस्पताल था वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया। अब उसकी चयन उसके लिए अब उसका जमीन का चयन होना है, उसकी प्रक्रिया लगती है। अब जो वहाँ से मेडिकल कॉलेज बन गया हट गया है तो कोई भी कार्य करने में उसका प्रोसेस करने में समय लगता है। अब हम कहे कि आज मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन गया तो अस्पताल नहीं, अस्पताल नहीं है। थोड़ी आलोचना तो यहाँ पे आलोचना ये और आलोचना, मैं मेडिकल कॉलेज में खुद दवा कराया हूँ, कोई यहाँ मेडिकल कॉलेज में दवा कराने नहीं जाता हूँ, मैं कराया हूँ, हमसे पूछिए एक नंबर की व्यवस्था। आज वहाँ की दशा मैं पूछिए, एक थोड़ा सा पीछे लोगों से बात कर लीजिए। आपका क्या नाम है? इधर आ जाएगी थोड़ा सा और इधर। क्या नाम है आप? मुरारी मिश्रा। यहाँ काम कैसा हुआ है? बहुत मतलब योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। छोटे मोटे तो झड़प होते ही रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसका गिनती नहीं किया जा सकता है। मगर योगी सरकार, योगी अभी तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव है, विधानसभा का तो चुनाव नहीं का तो बात ही अलग है भाई। क्या काम हुआ है? बहुत सारे काम हुए हैं। पहला हमारा आतंकवाद हट गया है, जब बहुत बड़ा टेंशन रहता था, सीमा पे गोलियां चलती थी, आज नहीं चल रहा है। हम शांति से क्या पूछना है? अरे क्यों भाई, अखिलेश सरकार में नहीं बेरोजगारी हुई है? अखिलेश सरकार में बेरोजगारी नहीं हुई है? कह रहे हैं अखिलेश सरकार में तो बढ़ रही थी जैसे नौकरियां। ये बात सुनिए, अखिलेश सरकार में जो है ये क्रेडिट लेने का सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। नाम आप बताइए, अखिलेश सरकार में कितनी नौकरियां मिली है पूछ रहे हैं। अखिलेश सरकार में अखिलेश सरकार के ही देन है कि आखिरी पुलिस भर्ती उन्हीं की सरकार को, उसके बाद से पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है और जब आए भी तो लीकेज हो गया। का काम किया हमारी समाजवादी सरकार ने। अच्छा ये बताइए, तो आप चूंकि इंडिया अलायंस के पक्ष में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं आपके इस समय उत्तर प्रदेश के लिहाज से दो नेता है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, हाँ, तो दोनों नेताओं की एक एक क्वालिटी आप लोगों से पूछूंगा और ऐसे ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप लोगों से पूछूंगा, पर क्वालिटी एक ही बतानी है, ठीक है। क्या है अखिलेश यादव की ये क्वालिटी? व्यक्तिगत तौर पे इतना निष्पक्ष और शिक्षित, ठीक है, दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं और रोजगार और राशन बांटने में प्रधानमंत्री भी कोताही नहीं कर रहे भेदभाव नहीं किया है, भेदभाव किया है। कैसे? जब अभी चुनाव नहीं था तो इन्होंने चना का दाल बांटा, रहर बांटा, रिफाइन बांटा। अच्छा क्वालिटी, क्वालिटी पे चुनाव खत्म हो गया। विजनरी नेता है समाजवादी पार्टी। और राहुल गांधी, राहुल गांधी की क्वालिटी, राहुल गांधी का भी विजन देश को लेकर बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं राजनीति में, उनके लिए बहुत सफल नहीं हो पाए। यही मीडिया में क्या क्या कहती थी और आज क्या कह रही है, अब आप देखिए कैसे कैसे बदला है ये। कोई आतंकवाद की बात कर रहा था, अब आप बताइए, अखिलेश यादव जी हैं, अपने समाज में इस समय सबसे बड़ा आतंकवाद है जातिवाद जो अखिलेश यादव करते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। और एक बात नौकरी की, भाई साहब आप नौकरी की बात कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में, सुनिए हमारी बात, सुनिए। नोएडा सेक्टर में
पर डे कितनी प्राइवेट कंपनियां, सुनिए सर, पर डे कितनी प्राइवेट कंपनियां निवेश करती हैं आपको पता है? आपको किसी को भी यहाँ पता है नहीं? लोग गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, हमको गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। क्या गवर्नमेंट चाहिए यार? गवर्नमेंट तुमको क्या देगी? कुछ उखाड़ के नहीं देगी। अब हमारी बात सुनिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप स्किल सेट है तो आपको प्राइवेट सेक्टर भर भर के पैसा देगी, जो आपको पैसा गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। कोई भाई साहब बस स्टेशन पे बात कर रहे थे, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं इसमें? बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये बताइए, आज के 10 साल पहले के आने वाले समय में जो मोदी जी किए हैं, अखिलेश सिंह किए हैं, वही चाहे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, चाहे मायावती, कुछ किए हैं मोदी जी? क्या क्या किए मोदी जी? बहुत कुछ किए हैं। राशन फ्री करा दिए, आवास बांट दिए, सारे विकास करा दिए। हाँ मिला, क्या मिला? आवास मिला है, आवास मिला है। हाँ लाभार्थी है। अब चुप हो गए, अब इंडिया अलायंस समर्थक चुप, लाभार्थी तो है। अच्छा वो कहाँ, भाजपा समर्थक किधर गए? और तो मैं इनसे पूछा था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक एक क्वालिटी, प्रधानमंत्री एक क्वालिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्वालिटी, और फिर योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की क्वालिटी ये है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं, और अपने पार्टी के जो भी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ले लेंगे तुरंत, तो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ले लेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी को, उनको साक्ष्य देना पड़ेगा कि कहीं बेइज्जती किए हो लाल कृष्ण आडवाणी का। मैं दे सकता हूँ, अखिलेश यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माता चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रचार कर रही है, प्रचार एक उनका एक भाषण का प्रचार कर रही है, उनके संस्कार, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो है उनका पैर छू रही है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जो है उनका पैर छू रही है, और संसार संस्कार की बात ये करते हैं प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ की क्वालिटी, मेरे अपने नेता की क्वालिटी पे भी थोड़ा बात करनी चाहिए दूसरे पे। हाँ योगी आदित्यनाथ की क्वालिटी यही है कि जो है कि उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड बनाया दूसरी बार सरकार बनाने का, मैं अकेला नहीं कह सकता हूँ, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने, उपलब्धि है उनकी। मैं क्वालिटी पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्वालिटी। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनका एक, उनकी एक गुण जो आपको लगता है, हिंदुवादी नेता है, ये गुण है, गुण है, और उसी के दम पे वो आगे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा। अगला चुनाव के दूल्हा हमारे योगी आदित्यनाथ होंगे, मैं आज ही इसकी घोषणा कर देता हूँ। एक चीज और बताइए कि क्या आप लोगों के अपने असेसमेंट के हिसाब से इस बार के चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा है क्या? है एक एक करके है क्या? नहीं मुद्दा नहीं है, ये है कि राम मंदिर बना तो ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मोदी जी द्वारा पूरी हुई है। 500 सालों तक हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हिंदुओं ने अपने अधिकारों के लिए, ठीक है कि देखिए सबका अपना अधिकार है कि वो अपने धार्मिक स्थलों की पूजा पाठ करे, उनको मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त करे, वो संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी की तरह जैसे मंदिर को तोड़ा गया वैसे और मस्जिद बनाया गया वैसे हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले कोर्ट गए, फिर हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो हमने शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके की अपना मंदिर वापस किया। तो इसमें मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इधर से ये दलील आती है कि ये तो कोर्ट की ओर से हुआ। जी 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 जी, एक बार बताऊं, मैं ध्रुव राठी का वीडियो देखता हूं, ठीक है, तो ध्रुव राठी ने बोला कि ये इसमें भारत में ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मोदी चला रहा है, तो भाई तो मैं भी मानता हूँ मोदी चला, इसका मतलब मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया होगा मंदिर बनवाने के लिए, मंदिर बन गया भाई। yes, तो मोदी जो आज का यूथ है धुराटू को सुनता है, इसका मतलब जो धुराटू को सुनता है वो एजुकेटेड है। मैं एजुकेटेड हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किस भाषा में, किस में की आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, किस सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में। और पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। कहाँ से किया पीजी? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर। चलिए शुभकामनाएं। इन्होंने भैया आरोप लगाए, ये मतलब एक व्यंग भी किया इन्होंने, ये व्यंग मैं इंस्टाग्राम पे पहले सुन चुका हूँ, हालांकि वो व्यंग ये कहा कि विपक्षी आरोप लगाता है कि न्यायपालिका, ईडी, एजेंसी सब प्रधानमंत्री के कब्जे में है, तो अब राम मंदिर भले ही कोर्ट की ओर से आया पर उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री का है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि राम आप पर, मतलब इंडिया अलायंस समर्थकों पर, इंडिया अलायंस के नेताओं पर ये बार बार आरोप लगता है कि राम मंदिर बनने से इनको तकलीफ है क्या, इसका जवाब क्या है आपके लिए? देखिए कभी भी इंडिया अलायंस जो है
मंदिर के बनने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। संवैधानिक तरीके से जो कार्य इंडिया अलायंस जो हमेशा से कहती आ रही है कि लीगल तरीके से जो संवैधानिक तरीके से जो है संवैधानिक तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि जैसे तुमने मंदिर बनवाया वैसे ही देवरिया जिला में कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जिस तरह से 4 साल का तुमने आर्मी की वैकेंसी के युवाओं को 4 साल की नौकरी पर ठेके पर दे दी, उस ठेके के आधार पर जो है जैसे मंदिर को तुमने परमानेंट किया वैसे ही क्या आर्मी में जो 4 साल का ठेका है उसको समाप्त करके परमानेंट जो भर्तियां होती थी वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ये पूछती है कि अगर देश में भ्रष्टाचार है तो संवैधानिक तरीके से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। जब यहाँ पे हम कोई जवाब लेकिन वो सवाल ये है कि ये एक मुद्दा ऐसा है कि अब ये बहुत सारे लोगों के लिए धार्मिक आस्था का मुद्दा है ना, और अच्छी बात तो ये है कि इस पर राजनीति भी ना हो इस, लेकिन ऐसा मतलब होना चाहिए कि भाषा में तो राजनीति में हम तो चाहते हैं कि आपस में बिल्कुल वैमनस्य ना हो, पर राजनीति में जब आप चीज़ों पे राजनीति होती है तो चीज़ें बढ़ती हैं, वैमनस्य आता है, मतभेद कई बार मनभेद में बदलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर दर्शन के लिए इंडिया अलायंस की जो टॉप लीडरशिप है वो लोग गए नहीं, और इसका जो आपको लगता है कि संदेश जो ये गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा भी बनाने का मौका मिलता है कि देखिए ये लोग दर्शन के लिए भी नहीं गए, निमंत्रण भेजा गया तब भी नहीं, अस्वीकार कर दिया, जयराम रमेश ने ट्वीट डाल करके लिख दिया कि कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जैसा आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ता दल के लोग हैं उनके द्वारा कहने पर जो है वहाँ पे विपक्ष के लोग नहीं गए, जब आपने इस बात को मान लिया कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लोकतंत्र में हम खुली सांस ले रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ कब जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर राजनीतिक रूप से क्या उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है? राजनीतिक देखिए, कोई भी मंदिर जो है सबके धर्म का आस्था का विषय है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन, सारी चीज़ों को सबको अलग अलग आस्था का विषय है, ठीक है। भारत एक गुलदस्ता है, 5 लोगों के धर्म के लोगों को निवास करता है। अभी आप कह रहे थे कि इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा होगा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि धर्म कभी भी राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, हमेशा वो आस्था का विषय रहा है, और समझदार आदमी आस्था को अलग रखता है और देश के विकास को अलग बात करता है। दोनों ही जो आपकी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही मंदिरों में जाते रहे, उन्हें मंदिरों में पब्लिक में सार्वजनिक रूप से जाने में कोई समस्या नहीं है, वो त्योहारों के दिन सभी धर्मों के त्योहारों पे ट्वीट भी करते हैं, पर राम मंदिर पे नहीं जाने पे थोड़ा लोग सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं गए, कि बीजेपी श्रेय ले लेगी क्या इसलिए? ऐसा श्रेय की बात नहीं है, श्रेय बीजेपी क्या लेगी, श्रेय बीजेपी क्या लेगी, कोर्ट के द्वारा निर्णय आया, सरकार थोड़े बनवाई, कोर्ट से निर्णय आया है, निर्णय आने के बाद मंदिर बना है, ठीक है। और अखिलेश यादव के पास जब निमंत्रण आया, अखिलेश यादव ने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहा जब हम जिस दिन हमारे सभी लोग खाली होंगे, जिस दिन हमारी इच्छा होगी हम लोग जाएंगे, ठीक है, चुनाव के बाद जाएंगे देखने। एक मिनट, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता 22 जनवरी को राम मंदिर क्यों नहीं गए? उनका कोर वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस के नेता मंदिर नहीं गए। यहां तक कि मैं लिख के देता हूं, वो तब अभी भी मंदिर नहीं जाएंगे कांग्रेस का कोई भी नेता, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वो अभी भी मानता है कि वो अंसारी क्या वो चले गए, मुख्तार अंसारी कोई बुलाने आया था, लेकिन वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ वोट दिखाई दे रहा है, आए जाएंगे तो आएगा। हिंदू और मुस्लिम आपके डिबेट में यही अब स्टार्ट हो गया है, जो कोर ये मुद्दे से हट गए हैं, बेरोजगारी पे बात हुई ना, बात हुई, सारे मुद्दे हट गए, बेरोजगारी श्री राम का नारा लगाएंगे, बेरोजगारी पे भी बात हुई है, बेरोजगारी पे भी बात हुई है, एक मिनट भाई, हिंदू पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दलित पे बात कर रहे हैं, 22% वोट है, ठीक है, वो दलित की मुद्दे क्या है, दलित क्या सोचता है, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, आप बताइए, एक सेकंड, दलितों का मुद्दा, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दीजिए, देखिए आज के नहीं, एक इसमें एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, सवाल जैसे ये है कि कांग्रेस की ओर से बार बार कहा गया, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा कि संविधान बदल सकते हैं अगर इस बार नरेंद्र मोदी जीत कर, क्या मैं सवाल पूरा कर लूं, और उसका मतलब ये था, उसका मीनिंग मायने ये थे कि आरक्षण पर शायद कोई अंकुश लगा सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, सवाल सुन लीजिए पूरा, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी स्पष्ट किया कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं,
और आरक्षण जिस रूप में है उस रूप में बना रहेगा, तो फिर कहाँ संविधान संशोधन का खतरा है? संविधान जो है, संविधान वो कोई नहीं बदल सकता। संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो तो आरक्षण पे खतरा क्यों लग रहा है? आरक्षण पे खतरा, आप जो बात कह रहे थे इसलिए पूछ रहे हैं। आरक्षण विरासत में नहीं मिला, जैसे विरासत में नहीं मिला उसके लिए संघर्ष किया गया। आपने पूना पैक्ट पढ़ा होगा, बिल्कुल पूना पैक्ट में पढ़ा है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के समकक्ष हुआ था। उस समय इन दलितों को वोट लेने का अधिकार दो तरह का था, ठीक है, कि उसको मिलेगा, दो तरह का वोट करेगा। लेकिन उसके समय गांधी जी ने क्या, अभी की बात करी इतिहास में, मैं ये पूछ, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? वही पूछ रहा हूँ, कैसे आपको लग रहा है कि आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता? तो फिर ये आरोप गलत है कि मौजूदा सरकार कर लेगी? नहीं, जो आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो है 330 सीटों का आंकड़ा उन्होंने पार किया था और इस बार 400 का नारा दे रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर हम तानाशाही तौर पे अगर इतने बड़े मेजोरिटी में आते हैं तो मनमाना हम संशोधन करेंगे। अभी आपने कैसे पता आपको कि नहीं, संशोधन ये बात कैसे मान रहे हैं कि मनमाना करेंगे जब प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख दोनों कह चुके हैं कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे? इसी मोहन भागवत पे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, उनको खत्म कर दीजिए, हटाइए। हम मुद्दे पे इस वजह से आना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में, पिछले जो संसद सत्र चला उसमें जो कानून पास किए गए वो ध्वनिमत पे पास कर लिए गए, हाथ उठ खड़ा करके पास कर लिए गए और तमाम तरीके के असंवैधानिक तरीके से बिना डिबेट के पास कर लिए गए। इस वजह से विपक्ष के जो हमारी लीडरशिप है उसका यह मानना है कि अगर यह तानाशाही सरकार 400 का आंकड़ा पार करती है तो निश्चित तौर पर संविधान बदलने का काम कर सकती है। और उसको बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस तरह की बात कर रहे हैं, इसको बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस रूप से भी देखते हैं या पेश करते हैं कि एक अनावश्यक डर बनाया गया। मतलब मौजूदा सरकार की आलोचना विपक्ष को करनी चाहिए, जरूरी भी है आलोचना, लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक अनावश्यक डर बनाया गया है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग ने भी दोनों पार्टियों को नोटिस भेजा और दोनों, भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप डिवाइसिव बंटवारे वाले बयानों कर देने से अपने नेताओं को रोकें, और कांग्रेस को ये कहा कि आप बिना वजह ये भ्रम न फैलाएं कि संविधान में संशोधन होने वाला है। अभी आप कुछ साल पहले इसमें ये तथ्य भी है जो ये अगली बार बोल देंगे कि दलित राष्ट्रपति इस सरकार ने दिया और उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति भी इसी सरकार, एक से डेढ़ साल पहले जो हरिजन एक्ट लगा था उसको सरकार ने समाप्त करने की कोशिश की और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में यह आंदोलन किया गया और वो आंदोलन होने के बावजूद जो है अभी पूरे भारत बंद का आह्वान किया तब जाके ये बैकफुट पे सरकार आई और हरिजन एक्ट जो था उसको परमानेंट करने का, मतलब जैसे है वैसे रखने का कार्य कोर्ट से हुआ था, पहले कोर्ट से हुआ और फिर प्रदर्शनों के बाद सरकार ने करेक्शन किया। बात अभी जो ट्रक ड्राइवर है, जो मोटर चालक है, उनके ऊपर जो 7 लाख का चार्ज और 10 साल का जो कैद की सजा का प्रावधान करने वाली सरकार थी, आंदोलन की बदौलत ही वो बैकफुट पे, दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति दे करके अच्छा किया। बात करना चाहता है, सवाल सुन रहे हैं। दलित को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। दलित को राष्ट्रपति बनाया जाता है लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री में जो भी सत्ता का जो असली पावर होता है सब उसको होता है, जो भी कानून, जो भी सारी चीज पारना, मतलब उसको पार करना होता है वो बनाता है। एक तो अब इंडिया अलायंस फिर एक दलित व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करती? कहने के तेल किया है, खड़गे जी को बनाने के लिए उन्होंने कहा था, वो बात अभी घोषित नहीं किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सारी खिड़कियां खोली हुई हैं। सर्वसहमति से फैसला लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सर क्या नाम है आपका? ब्रिज बिहारी सिंह। आपकी गमछा देख के लग रहा है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय है क्या? ये गलत अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं राजनीतिक रूप से, बहुत ज्यादा। किस पार्टी के साथ? नहीं पार्टी, हम राष्ट्रीय मत संगठन ना, नहीं नहीं पार्टी की बात नहीं, हम राष्ट्र के साथ हैं। राष्ट्र के साथ हैं, वो आजकल एक ही पार्टी होती है। राष्ट्र अगर मजबूत है, राष्ट्र मजबूत है तो सब मजबूत है। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चली है, अंदर से बहुत मजबूत था यूक्रेन, बहुत मजबूत था, सबके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमजोर था, जो स्थिति पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज दुनिया में हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत। जैसे दो तीन उदाहरण, जैसे जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके रक्षा मंत्री कहा करते थे कि भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम हथियार नहीं खरीद पाएंगे। 10 साल तक कोई हथियार नहीं खरीदा गया, 10 साल तक कोई हथियार नहीं खरीदा गया और पाकिस्तान से हम डरते रहे। ये सरकार बजट कम कर दी इस बार डिफेंस का, पाकिस्तान से डरते रहे।
S-400 खरीदा गया, राफेल खरीदा गया, जो कभी इस 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं खरीदा गया। और हमेशा कह रहे हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे खरीदने के लिए, तो राष्ट्रीय अर्थतंत्र में हम बहुत मजबूत हैं। डिफेंस का और क्या कह रहे हैं, डिफेंस का बजट इस बार इनकी सरकार ने कम, हथियारों के मामले में अब सरकार 22,000 करोड़ न्यू रिकॉर्ड बना है, 22,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट पूरा जानी भैया, केवल नेगेटिव मत देखिए गवर्नमेंट का, ये अगर सही में एक देशभक्त है, नहीं दोस्त है अपना, दोस्त है सही, ये बोल रहे हैं अगर भैया सही में आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, भैया आप दोनों देखिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव ये होता है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपने कहा सही है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया ने सही कहा, तो अब ये बोल रहा हूँ डिफेंस एक्सपोर्ट भी 22,000 करोड़ रिकॉर्ड बना है इस साल, मतलब 2023-24 का फायदा देखा जाए तो। अनिल अंबानी की एक ठो कंपनी है जो बिना किसी अनुभव के जो सरकार जो है डिफेंस का ठेका उसको दी, और आज वो कंपनी घाटे में चल रही है। और जहां तक ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, 2014 में 2019 में इस बात को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, बना नहीं, देखिए कभी भी फाल को भी बनाने की कोशिश की, वो भी कभी भी, कभी भी सरकार जो विपक्ष की है वो मुद्दा नहीं बनाती है, वो सरकार की बात करती है। जब वो कोविडशील्ड टीका लग रहा था तो उस समय राहुल गांधी ने जो बात कही थी, और चाहे जो जिस समय जो राष्ट्रपति अमेरिका से बुलाए हुए थे और उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि देश पे आपदा आने वाली है, उस समय इन सरकारों ने, वो तो मुद्दा नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से पूरा देश त्रस्त रहा और कोविडशील्ड से 1200 करोड़ रुपए का चंदा भी लिया। विपक्ष मुद्दा नहीं बनाता है, वो देश को आगाह करता है, तो लेकिन इलेक्टोरल हमारी जो है ब्लड प्रेशर शुगर ब्रेन हेमरेज से पीड़ित होने वाली, इलेक्टोरल बॉन्ड से तो टीएमसी जो इंडिया अलायंस की सहयोगी है उस बहुत चंदा लिया उसने, कांग्रेस ने स्वयं बहुत चंदा लिया है, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड अगर गलत था तो विपक्षी पार्टियों ने क्यों चंदा ले लिया? अगर सरकार में जो सरकार जिसके इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है वो विपक्ष को दिखा करके और कहे कि वो चंदली है तो मैं ठीक हूँ, और ईडी सीबीआई जो है तमाम लोगों पे रेड कर रही है और लेकिन उस पर नहीं कर रही है चंदे के नाम पे, ये किस तरह की राजनीति है आपकी? वो ले तो हम भी ले रहे हैं, ये रेड वाला तो है कि जिन पे, जिन लोगों पे रेड पड़ते हैं, आप बोल रहे हैं इनको भी बोलने दीजिए, रेड जिन लोगों पे पड़ रही है वो सब अनिवार्य तौर पर विपक्ष के नेता क्यों हैं? पक्ष के एक भी आदमी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा क्या? सर मैं इस पे आऊंगा, लेकिन भाई साहब ने अभी एक बात बोली है, ये सवाल छोड़ूंगा नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल हाँ। मैं इस पे आऊंगा, आपको छोड़ने भी नहीं दूंगा, मैं किसी की सवाल का जवाब छोड़ता नहीं हूँ। भाई साहब ने बोला अभी कुछ देर पहले कि कोविशील्ड या किसी पे 1200 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी है उसके, सर हाँ हम बम EDX ठीक है, और बंदूक से समाज में मरने से बढ़िया ना हम ब्रेन हैमरेज समझ जाए, ठीक है, सुनिए हमारी बात। सबसे पहली बात आपने निगेटिव बात ये बोली कि 1200 करोड़ या पता नहीं कितना चंदा ले लिया, ठीक है हाँ, और EDCBI की जो रेट पड़ रही है, सबसे पहली बात सर अगर EDCBI में उतने जो भी वहाँ पे ये मतलब ऑफिसर हैं, ऑफिसर लेवल के लोग, वो पढ़े लिखे हैं सबसे पहली बात, ठीक है, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ वहाँ पे है नहीं। अब ये बताइए कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग पे पड़ रहा है, विपक्ष लोग पे रेड पड़ रहा है या उनके घर पे छापेमारी पड़ी, उन्होंने ऐसा किया है तभी तो पड़ रहा है, पक्ष में एक भी नहीं हुआ है, नहीं तो सर अब एक मिनट पक्ष की भी बात बता रहा हूँ। अभी बेंगलोर में एक कोई कुछ महीने पहले एक कांड हुआ था 2600 रेप वाला, क्या नाम था इसका, 2600 रेप जो प्रज्वल देवन्ना, ठीक है प्रज्वल देवन्ना मैं सरकार का समक्ष करता हूँ, जहाँ सपोर्ट करना होता है सपोर्ट करता हूँ, जहाँ विरोध करना होता है विरोध करता हूँ। अलायंस तोड़ देना चाहिए था ना JDS के साथ, अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? नहीं पहले मैं अपना क्वेश्चन का, जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ। भाई साहब बोले विपक्ष पे पड़ता है, पक्ष पे नहीं पड़ता है, प्रज्वल रवन्ना ठीक है विदेश भाग गए, वो उनको विदेश भगाया गया, भगे नहीं है, मैं यहाँ पे सरकार का निंदा करता हूँ, तो वो तो हाँ भारतीय जनता निंदा करता हूँ यहाँ पे सरकार की कि वो भगा है 2600 लड़कियाँ, ठीक है, जिनका जीवन उसने बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसने जीवन बर्बाद किया है। क्या कह रहे हैं जैसे आप एक भैया एक मिनट आप आए हैं ग्राउंड लेवल पे, सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मुद्दा सबसे बड़ा है। क्या है यहाँ पे लोग क्या लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, अरे ठीक है मैं किसी का विरोधी नहीं करता हूँ, ना ही भाजपा का ना ही इंडिया अलायंस का, आप मंदिर बनाए वो सबके आस्था का प्रतीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ राजपूत हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, दो रोटी कपड़ा मकान। आप एक बात बताइए, रुक जाए बोलने दीजिए, शांत रहिए आप, बोलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अभी भाई किसी ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं, चलिए ठीक है अच्छी बात है जॉब हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब पे तैयारी करता हूँ, अगर गवर्नमेंट हमसे कह दे कि सरकारी नौकरी नहीं है मैं तैयारी छोड़ दूंगा, और इतना बूथ है कि अभी कुछ ना कुछ करके अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप सबको पाल लूंगा,
लेकिन गवर्नमेंट झूठी जो झांसा होती है वो मत दिलाए। सर आप राम रुक जाइए, नहीं नहीं आप रुक जाइए, आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप लोग सब लोग ध्यान से, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, आप मंदिर बनाइए, मैं जाऊंगा दर्शन करूंगा, एक मुसलमान जाएगा वो भी दर्शन करेगा, ऐसा नहीं है, वहाँ वो रोजगार भी पाएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन सर आप एक पेपर कराइए, अच्छे से करा लीजिए, आप क्या नाम है, देखिए मुद्दा आपके पास है, आज आपका मैनिफेस्टो आ रहा है, हर एक चीज़, मैं ये मत कोई कहना बीजेपी का मैं कट्टर वो नहीं, 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 उसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन सर आप एक बात बताइए, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, हर एक चीज़ हो रहा है, पोस्टर लॉन्च हो रहा है, आप जो बेसिक्स मुद्दे थे, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, 1 करोड़ रोजगार, किस मैनिफेस्टो पे वो हुआ है, पोस्टर पे छपा है, वो शेर कहाँ गया, वो मेक इन इंडिया वाला शेर कहाँ गया सर, आप देखे हैं, रुक जाइए, 2-3 साल से आप देखे हैं, आप खुद बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप चाहे एडवर्टाइजमेंट से लेके कहीं भी आपने देखा है वो शेर, नहीं देखा होगा सर। अरे सर उनसे पूछिए जो जाके एक वक्त खाना बना के किसी तरह एक छोटे से रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप ठीक है, 3/4 पुलिस अयोध्या चली जा रही है, लेकिन एक पेपर हो रहा है, मैं खुद गया था पेपर देने बाराबंकी में, 2 सिपाही खड़े थे वहाँ, पेपर लीक हुआ, अब बताइए किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये नहीं करूँ, मैं ये नहीं करूँ कि इंडिया आएगा तो अच्छा करेगा, इंडिया गठबंधन आएगा तो अच्छा करेगा, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आए आप सब करिए, राम मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, आप मंदिर के बारे में मस्जिद बनाइए, हिंदू भी जाएगा मंदिर में और मुसलमान भी जाएगा मस्जिद में, वो अभी मंदिर में जाएगा, वो भी मस्जिद में जाएगा, लेकिन सर रोजगार दे दीजिए सर, सबसे बड़ी चीज़, या तो आप आशा तोड़वा दीजिए, मैं BA ना करूँ, BA BSC हटा दीजिए सर, महत्व क्या है BA BSC का, कोई महत्व है इसके, जब आप रोजगार ही नहीं देंगे, नौकरी जो हो रहा है पेपर लीक, आपने क्या पढ़ाई की? मैंने सर BA किया है, ग्रेजुएट हूँ, ऐसा तैयारी क्या कर, तैयारी मैं PCS की कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की कर रहा हूँ, UPSI की कर रहा हूँ, 2021 में वैकेंसी आई थी, लेकिन सर आपने देखा क्या हुआ, कैसे धांधली लोग, क्यों भर्ती जल्दी करना था कि मेरे ऊपर वो ना आए, चुनाव है 22 में चुनाव आने वाला, सर युवाओं के साथ मत खेलिए सर आप लोग। तो देवरिया से राजनीतिक चर्चा आप लोगों ने सुनी, दोनों पक्ष के तर्क सुने, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उसमें स्थानीय मुद्दों की हिस्सेदारी कितनी है, क्षेत्रीय मुद्दे कितने हैं और राष्ट्रीय मुद्दे कितने हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी जिक्र हुआ। देवरिया से चुनावी कवरेज आप देख रहे थे, मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे है मोहन, देखते रहिए दी ललन टॉप।